जिस तरह दो मासूमों को गला रेत कर डबल मर्डर किया गया, पूरा देश सन्न है। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो और हैरान करने वाला है। समय चुनाव का है और बदायूं मामले पर राजनीति खूब जमकर हो रही है। साजिद के एनकाउंटर पर राजनीति की जा रही, दो मासूमों के मर्डर पर राजनीति की जा रही, लेकिन ये राजनीति कर कौन रहा? संकल्प में रिपोर्ट में। आयुष की हत्या कर दी गई, रामगोपाल यादव ने इस पर सहानुभूति के दो शब्द नहीं कहे। आहान को गला रेत कर मार दिया गया, शिवपाल यादव इसे दुखद बताकर चुप हो गए। मगर साजिद का 3 घंटे के भीतर एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश टेंशन में आ गए। समाजवादी पार्टी की पूरी फौज को बदायूं मर्डर केस में खोट नजर आ रहा है। साजिद के बहाने वोटों की राजनीति होने लगी। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। ये समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक दंगों को कराकर हमेशा से चुनावों में अपना वर्चस्व हासिल करने का सपना देखती रही है। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। बदायूं में अब किसी भी मजहब की दीवार नहीं खड़ी होने वाली है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था। योगी की पुलिस ने तत्काल हिसाब किया तो समाजवादी पार्टी ने अलग लाइन पकड़ ली। मासूम बच्चों के साथ हुई बेरहमी के बजाय साजिद के एनकाउंटर के जरिए सवाल उठाए। सहूलियत वाली सियासत पर समूची मुलायम फैमिली ने क्यों सरकार पर हल्ला बोल दिया? क्यों अखिलेश और शिवपाल एनकाउंटर का मुद्दा उठाने लगे? इस सीक्रेट प्लान को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे 2024 के इलेक्शन से जाकर जुड़ता है। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनाया जो अखिलेश यादव के सबसे छोटे चाचा हैं और रामगोपाल यादव के चचेरे भाई। शिवपाल यादव इस सीट से अधूरे मन से चुनाव लड़ रहे हैं। वजह है उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध, डर इस बात का कि कहीं 2019 का रिजल्ट बदायूं में रिपीट ना हो जाए, क्योंकि अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से पिछले लोकसभा इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। तब धर्मेंद्र को बीजेपी की संघमित्रा मौर्य के 47.28% वोट के मुकाबले 45.58% वोट मिले। ऐसे में मासूमों के डबल मर्डर के बजाय अखिलेश का जोर साजिद के एनकाउंटर पर क्यों है, किसी से छिपा नहीं। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक एनकाउंटर किया गया, अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? अपराध करोगे, जाति और धर्म चाहे जो हो, दंड के पात्र त्वरित बनोगे। अब वो पुलिस नहीं कि हाथ में फूल का गुलदस्ता लेकर चली आएगी। अपराध करोगे तो अपराध के लिए पुलिस के पास जो कुछ है पुलिस से कठोरतम कार्रवाई अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए करेगी। अब इसमें दर्द क्यों हो रहा पेट में लोगों के? लोग आज इस प्रकार की घटनाओं का मुझे समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी को घटना पर दुख नहीं है, वो जो अपराधी मारा गया उस पर दुख है। 2017 के बाद से यूपी पुलिस और अपराधियों के बीच 10,000 बार भिड़ंत हो चुकी है। इस दौरान मारे गए 200 अपराधियों में से करीब 125 हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे। तब अखिलेश ने इन एनकाउंटर पर इतनी हायतौबा नहीं मचाई, जहां फायदा दिखा वहीं सवाल उठाए। अखिलेश यादव की इस पॉलिटिक्स का दूसरा एंगल बदायूं के जातिगत समीकरण के जरिए समझा जा सकता है। बदायूं में कुल 19 लाख वोटर है जिनमें 4 लाख यादव और 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता है। इसके बाद गैर यादव ओबीसी वोटर 2.5 लाख की संख्या, दलित वोटर की तादाद 2 लाख के आसपास, वैश्य और ब्राह्मण वोटर्स भी 1.25 लाख। अखिलेश को लगता है कि अगर यादव और मुस्लिम वोटर्स बदायूं में एक हो गए तो उनके लिए इस सीट को निकालना आसान होगा, क्योंकि MY समीकरण की राजनीति मुलायम फैमिली की मुफीद रही है। और इसी की बदौलत 1996 से लेकर 2014 तक बदायूं में समाजवादी पार्टी को जीत मिलती आई। पूरी तरीके से यहाँ पूरा जन समर्थन मिल रहा है और इस चुनाव में देखिए सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बड़ी जीत होगी। गुन्नौर से होगी, बिसौली से होगी, सहसवान से होगी, बदायूं से होगी, पांचों विधानसभा में
समाजवादी पार्टी की जीत होगी। चोर अपनी चोरी किसी और के सर पर फोड़े, इसलिए वो अपना बीच बचाव करता है। इसमें राजनीतिक तथ्य आने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मर्मम घटना को भी दुख व्यक्त करने के बजाय राजनीति से जोड़ने का कार्य किया। अखिलेश यादव की प्रायोरिटी में मुसलमान है और ये बात उन्हें अच्छी तरह पता है कि बदायूं में वोट बटा तो इसका असर आसपास की कई सीटों पर होगा। बदायूं से लगने वाला जिला है बरेली, जहां कुल 18 लाख वोटर, इस सीट पर करीब 7.5 लाख मुस्लिम मतदाता है। आंवला भी बदायूं से बहुत दूर नहीं है। 15 लाख वोटर्स वाली इस लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता करीब 4 लाख और यादव वोटर्स करीब 2 लाख। पास ही के शाहजहांपुर में भी कुछ इसी तरह के समीकरण है। 21 लाख वोटर्स वाली से सीट पर 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम और 2.25 लाख से ज्यादा यादव मतदाता हैं। गौर करने वाली बात यह कि इन सभी सीटों पर 2014 और फिर 2019 में बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर उनकी खास धर्म के एनकाउंटर वाली थ्योरी चल गई तो 24 में नतीजे बदल सकते हैं। हालांकि यूपी पुलिस ऐसे किसी भी एजेंडे को एक्सपोज कर रही है। क्या साजिद ने पहले आप लोगों पे फायर किया, उसके बाद आपने रिटेलिएट किया, क्या परिस्थिति थी वहाँ? देखिए ऑब्वियसली बात है कि वो जो पुलिस के पुलिस पे वो फायर करते हैं और हमारे बचाव में हमें फायर करना पड़ा है। अखिलेश यादव का मैसेज बदायूं के वोटर्स तक पहुंचता उससे पहले ही बीजेपी एक्टिव हो गई। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा पीड़ित परिवार से मिले तो कवर अप करने के लिए समाजवादी पार्टी का लोकल डेलीगेशन ग्राउंड पर उतर गया। हालांकि यहां भी थ्योरी वही रटी रटाई। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वोट बैंक याद आ गया। इस फैक्ट को पूरी समाजवादी पार्टी ने इग्नोर कर दिया कि आरोपी साजिद ने दोनों बच्चों की उस तरह से गर्दन काटी थी। आरोप है कि तीसरे मासूम को ही मारने की कोशिश की, मगर किसी तरह वो अपनी जान बचाने में सफल रहा और फिर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद साजिद ने भागने की कोशिश की थी, जिसका एनकाउंटर हो गया। घटना के दौरान चंद कदम की दूरी पर मौजूद उसका भाई जावेद फरार हो गया। पीड़ित परिवार का दावा तो ये भी कि साजिद और जावेद पर ना तो किसी तरह का शक था और ना ही पुरानी रंजिश। सामने दुकान आप देख रहे हैं, ये दरअसल वो सलून है, वो नाई की दुकान है जहां पर साजिद और जावेद काम करते थे, और इसके जस्ट सामने वो घर है जहां पर तीनों बच्चे अपनी माँ और पिता के साथ रहते थे, अपनी दादी के साथ रहते थे। तो अगर ये पारिवारिक वजह है जिस थ्योरी को हम मान रहे हैं, तो आखिर इसमें बच्चों की क्या गलती थी और बच्चों की जान क्यों ली गई? दूसरी जो थ्योरी निकल के सामने आ रही है वो है 5,000 रुपए और बीवी के इलाज की। हमने जैसा कि दिखाया था कि सना जो कि साजिद की पत्नी है, उसने साफ तौर पे बताया कि वो स्वस्थ है, ना ही वो प्रेग्नेंट है, ना ही वो बीमार है और ना ही उसे आर्थिक तंगी है। तो इस थ्योरी को सिरे से नकारा जा सकता है। छत पे शराब की बोतलें मिलने के जो आरोप लग रहे हैं, जो टुकड़े मिलने के शीशे के आरोप लग रहे हैं, वो शीशे कहाँ से आए, वो शराब की बोतलें कहाँ से आई, इन अटकलों का बाजार भी काफी गर्म है। इससे रंजिश हमारी कुछ नहीं थी, वो तो नाई था, उससे रंजिश क्या होगी? हम तो बाल कटवाने गए, ऐसे बनवाई, अब निकल आए घर पे, हमें क्या करना है उसका है? और उसके अंदर कोई वो हो तो अलग बात है, वो जानता क्या है हमारी घटना, या किसी ने उसे समझाया होगी हाँ ऐसा काम करो तुम भैया, तभी तो हो सकता है घटना, और क्या है? या कोई मुझसे जलता हो भाई। कितने साल से ये लोग रहते थे यहाँ पे? काफी साल हो गए, काफी साल हो गए, कम से 6-8 साल हो गए जावेद को। हम बूढ़े रहते 3 साल, हमको यहाँ हो गई है, 7-8 साल आराम से हो गई है उसे यहाँ को। सिर पर 2024 का चुनाव है, क्या इसीलिए बदायूं को लेकर तनाव है? क्योंकि योगी राज में दंगे पर लगभग नो एंट्री का बोर्ड सा लग गया है। 2018 और 2019 में यूपी में किसी तरह की कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, 2020 में कोई दंगा नहीं हुआ, 2021 में एक सांप्रदायिक तनाव का मामला सामने आया, 2022 में यूपी फिर दंगा मुक्त स्टेट पाया गया। जबकि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2016 में यूपी अखिलेश के सीएम रहते हुए टॉप 5 दंगा प्रदेशों में शामिल था। इसको किसी भी तरीके का और दलों से भी अपेक्षा यही करती हूँ कि इसको किसी तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस दोनों लगे हुए हैं, पहला पकड़ा गया, दूसरा जो है पकड़ा जाएगा। क्या आरोपियों ने प्री प्लान तरीके से मासूमों को मौत के घाट उतार दिया? पुलिस इस एंगल से भी बदायूं डबल मर्डर की जांच कर रही है, क्योंकि घटना के वक्त उस्तरा लेकर छत पर जाना और मोबाइल नेटवर्क ना मिलने का बहाना
इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस हत्याकांड की फिलहाल कई थ्योरी हैं जिनके आधार पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, मगर इन सबसे अलग समाजवादी पार्टी का एंगल जिसमें वोट बैंक की फिक्र ज्यादा है। बदायूं से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।